Am I audible to you? चलो चलते हैं नेक्स्ट वन। किचॉफ्स लूप रूल, किचॉफ्स लूप रूल are also known as Kirchhoff's voltage law, KVL. स्टेटमेंट याद है किसी को? जल्दी से बोल दो। KVL का स्टेटमेंट बेटा, जल्दी बोलो। Am I audible? Yes, sir. स्टेटमेंट याद नहीं है? क्या था स्टेटमेंट? द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप in any loop including those associated with EMFs and those of resistive elements must be equal to zero. याद आया? Isn't it? That is sum of your potential difference plus sum of your all the EMFs in the closed circuit must be equal to your zero. है कि नहीं? Sir, EMF. Sum of all the potential difference मतलब resistance और current लेके अगर कुछ EMFs भी है मतलब batteries. ओके कोई बैटरी वगैरह भी है तो उसका भी सम ऑफ ऑल द ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू योर जीरो। ठीक है? ओके सर। इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है? Yes, sir. चलो इसका साइन कन्वेंशन देख लो बेटा। नंबर वन मान के चलो एक बैटरी आ गया ऐसा, ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन और आप जा रहे हो इस तरह से, तो इसका ईएमएफ हो जाएगा पॉजिटिव। जहां पर एंड हो रहे हैं वो ले लो प्लस सी। ठीक है? सेकेंड वन, अगर इन ये सर्क्यूट पहले पॉजिटिव आया उसके बाद नेगेटिव आया एंड यू आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, आपने ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जहां पर एंड हो रहे हैं उसका उसका साइन कन्वेंशन बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ई। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो उसके बाद अगर रेसिस्टर आ गया, मान के चलो इन ए सर्क्यूट मेरे पास एक रेसिस्टर है, इसमें करंट बह रहा आई और इसका रेजिस्टेंस है आर एंड यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है? तो जब इसका साइन कन्वेंशन हो जाएगा सेम डायरेक्शन में माइनस ऑफ आई इंटू आर, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस ऑफ योर आई इंटू योर आर। ठीक है? इसी तरह से फोर्थ वन देखो,
If this is your resistor of R, and the current is going in this one, in this direction. Okay. Current opposite direction. You get resistance R or current ja raha hai isme. Aur ab ja rahe is tarah se. The opposite direction of a current agar ja rahe hai, toh plus of your I into your R. ठीक है बेटा, कैसे भी यूज कर सकते हो, कल जो मैंने बोला वो मेथड भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस. व्हेनेवर यू आर मूविंग इन अ क्लोज सर्किट, जो भी टर्मिनल लास्ट में रहेगी उसका साइन कन्वेंशन ले रहे हैं हम लोग. यहाँ पर फर्स्ट वन में देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो पॉजिटिव ले लिया, फिर सेकंड वन में पॉजिटिव से नेगेटिव के पास उतर रहा हूँ तो ईएमएफ हो गए नेगेटिव. सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस ऑफ आई इंटू आर, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस ऑफ योर आई इंटू योर आर पार्टिकुलेशन. उसी तरह से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर साइन कन्वेंशन फॉर कैपेसिटर्स, साइन कन्वेंशन फॉर योर कैपेसिटर्स. ओके, अभी देखो मान के चलो कैपेसिटर है मेरे पास इस तरह से, इसकी कैपेसिटी सी, इसका हो गया प्लस क्यू, इसका हो गया माइनस क्यू, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल विल बी इक्वल टू योर माइनस ऑफ क्यू बाई सी. जहां पर एंड हो रहा है उसका टर्मिनल वो ले लो बेसिकली, एंड यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन मान के चलो. ठीक है, उसी तरह से और एक कैपेसिटर इस तरह से, सी कैपेसिटी सी है और ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, एंड यू आर ट्रेवलिंग लाइक दिस. इसका साइन कन्वेंशन कितना बन जाएगा? जहां पर एंड हो रहा है वो वी इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ योर क्यू बाई सी. ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो ये एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से. मान के चलो मेरे पास एक बैटरी है ऐसा, पॉजिटिव नेगेटिव, एक रेसिस्टेंस है, देन हियर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, देन दिस वन इज रेसिस्टेंस, और ये हो गया टर्मिनल बी, और ये हो गया मेरे पास टर्मिनल ए. इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है. दिस इज द रेसिस्टेंस आर वन, दिस इज द रेसिस्टेंस आर टू, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव. इसका ई एम एफ है मान के चलो ई टू, और इसका ई एम एफ है मान के चलो ई वन, एंड वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इज योर मोशन का डायरेक्शन है इन योर क्लोज सर्क्यूट. सो इट मीन्स आई एम मूविंग फ्रॉम योर ए टू बी. ए टू बी जब मूव हो रहा हूं तो बताओ कैसे लिखोगे जल्दी? ए के पास पोटेंशियल कितना रहेगा बेटा? वी ए. सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो बैटरी आ गई, पॉजिटिव से नेगेटिव के पास टर्मिनेट हो रहा हूं तो माइनस ऑफ योर ई वन. देन आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट इस तरह से जा रहा है इसके अंदर, मान के चलो आई एम्पियर्स. तो कितना बनेगा बेटा? माइनस ऑफ योर आई इंटू योर आर वन. सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस बैटरी आई फिर बीच में, नेगेटिव से पॉजिटिव के पास उतर रहे हो, सो प्लस ऑफ योर ई टू माइनस ऑफ योर आई इंटू योर आर टू विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ योर बी. हो गई बात? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन देख लो. मान के चलो मेरे पास एक सेल है इस तरह से, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव, एंड हियर देर इज वन रेसिस्टेंस हियर एंड देर इज वन रेसिस्टेंस हियर राइट नाउ, एंड लास्टली फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव, यहाँ पर एक नेगेटिव इस तरह से, एंड मिडिल देर इज वन मोर रेसिस्टेंस. मान के चलो दिस वन इज आर थ्री, this one is your R1, this one is R2, R1, R2, R3, यहाँ पर भी लिख लेता हूँ मैं. यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस है R4, और इसके EMF से देखो बेटा, इसका EMF है E1, इसका EMF है E2, और इसका EMF है E3. इसमें कितने लूप्स बन रहे बताओ? टू लूप्स बन रहे हैं. देखो अच्छी तरह से, डायरेक्शन ऑफ करंट आपको जो मानना है वो मान के चलो बेटा,
फाइनल जब आंसर आपका पॉजिटिव आएगा तो आपका डायरेक्शन सेम रहेगा, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आया तो आपको ये समझना है कि आपने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है वो गलत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. तो व्हाट आई कैन डू इज अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए ब्रांच एज एज जैसा आपको समझ में आए वैसा. सो व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट्स, डायरेक्शन ऑफ करंट्स in a branch as you wish, but balance currents at junctions. जहां जहां देखे वहां वहां पर आप उसको कर्मण करते चले जाओ. मान के चलो ये इस तरह से है, मैं इसको सर्क्यूट ड्रॉ कर ले रहा हूं. देखो ये पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, देन यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, देन राइट नाउ हियर देयर इज वन रेसिस्टेंस एंड हियर देयर इज वन बैटरी राइट नाउ फॉर दिस वन. दिस इज ऑफ योर पॉजिटिव एंड एज वेल एज ऑफ योर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड एज वेल एज ऑफ योर नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस है, ये हो गया मेरे पास आर वन, ये हो गया आर टू, ये हो गया आर थ्री, ये हो गया आर फोर, और ये था मेरे पास E1, और ये था मेरे पास E2, और ये था मेरे पास E3. अब साइन कन्वेंशन दे रहा हूँ मैं इसको. देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है. सो डायरेक्शन ऑफ करंट मान के चलो मैं ले रहा हूँ इस तरह से, यहाँ से ये हो गया मेरे पास I1, और इस बैटरी में से करंट आ रहा है मान के चलो I2. I1 एंड I2 मिलके इसमें जा रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पर हो गया I1 प्लस ऑफ योर I2, I1 plus of your I2. तो वही करंट फिर वापस आएगा, तो इसमें करंट वापस अपने पास जाएगा, that is I1. फिर इसमें करंट हो गया I1, तो इसमें करंट वापस गया I1. तो इसमें करंट फिर वापस चले जाएगा बेसिकली I1. इसमें से करंट जो आ रहा था बेसिकली कितना करंट आ रहा था बेटा I2. यहाँ से करंट वापस चले जाएगा, that is your I2. यहाँ पर हो गया मेरे पास I2, और यहाँ पर भी हो गया मेरे पास I2. क्लियर है? अब इसको नहीं मान के चलो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ. तो हाँ बेटा, दो लूप्स नहीं बनते, तीन लूप्स बनेंगे. देखो हेलो वाला, आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू डी, ठीक है, क्लोज लूप होना है ना. आई एम गोइंग फ्रॉम योर ए टू डी, ए टू डी के लिए जाने के बताओ बत पहले बात. सो आई कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम योर ए से बी को जा सकता हूँ, बी से सी को जा सकता हूँ, सी से डी को जा सकता हूँ. तो अब इसका पोटेंशियल कैसे लिखोगे, देखो जल्दी से. ए के पास हो गया पोटेंशियल ये, देन पॉजिटिव नेगेटिव के पास आ रहा हो बेसिकली, तो दैट विल बी इक्वल टू योर माइनस ऑफ योर ई वन हो जाएगा, देन उसके बाद प्लस ऑफ योर ई टू हो जाएगा, बी टू सी, देन सी टू डी, आई एम मूविंग अगेंस्ट द करंट, तो ये हो जाएगा प्लस आई टू इन टू योर आर फोर, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ योर डी, हो गया एक पार्ट. देन आई एम ट्राइंग टू गो फ्रॉम यूर ए टू डी वाया द पाथ ऑफ यूर, ए से बी जा सकता हूँ, बी से ई जा सकता हूँ, ई से डी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ कि नहीं. तब इसके लिए जब पोटेंशियल लिखोगे, ये हो जाएगा वी टू ए, सेम डायरेक्शन में माइनस ऑफ योर ई वन, देन माइनस बी टू ई, करंट कितना है बेटा आई वन प्लस आई टू, द सेम डायरेक्शन जा रहे हो तो नेगेटिव होगा, सो इट इज आई वन प्लस ऑफ योर आई टू इन टू योर, उसका रेसिस्टेंस हो गया आर थ्री. फिर ई टू डी जा रहे हो तो जहां पर एंड हो रहे हो उसका साइन कन्वेंशन लेना है माइनस ऑफ ई थ्री, दैट इज इक्वल्स टू योर वी डी. आ गया सभी को? उसी तरह से व्हाट इज अदर मेथड बाय विच यू कैन गो टू योर डी पार्ट इन्फ्लेशन बेटा, आई कैन गो इट फ्रॉम योर ए टू एफ, एफ टू ई, और ई टू डी जा सकता हूँ, ठीक है? यस सर. चलो अब इसके लिए अगर मैं लिख रहा हूँ बेसिकली, अब देखो ए टू एफ जा रहा हूँ तो ए के पास पोटेंशियल कितना है बेटा, वी ए मान के चलता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास वी ए, देन प्लस ऑफ योर आई वन इन टू योर आर वन, क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है. देखो ए टू एफ आई एम गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और करंट आ रहा ऊपर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, देन प्लस ऑफ योर आई वन इन टू योर आर वन,
आई वन हो गया फिर से बेसिकली, आर टू में भी ऑपोजिट जा रहा है, सो यहाँ पर भी हो गया आर टू प्लस बैटरी जब आ रही है यहाँ पर, देखो बेटा बैटरी कहाँ पर है, ई टू डी के पास नेगेटिव टर्मिनल है, सो हो गया माइनस ऑफ यूर ई थ्री इज इक्वल टू वी, ऐसा हो गया इसका सैंपल। क्लियर है? एग्जाम्पल लिख लो बेटा, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मान के चलो मेरे पास एक्सेल है यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव, and this is one resistance, then again positive, and this one is negative, this is your resistance, again this one is positive, this one is negative, this is your terminal B, and this is your terminal A, तो इसमें करंट आ रहा कितना 5 एम्पियर, ये हो गया यहाँ पर 15 वोल्ट, और ये हो गया मेरे पास 5 वोल्ट, ये हो गया मेरे पास 5 वोल्ट, और ये हो गया मेरे पास 10 वोल्ट। ये हो गया मेरे पास 10 वोल्ट, इसका रेसिस्टेंस देखो बेटा ये 2 ओम से और ये मेरे पास 6 ओम से, सो 5 एम्पीयर ऑफ करंट इज एंटरिंग, फर्स्ट बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट है, सेकंड का 10 है, थर्ड वन का 5 है, और रेसिस्टेंस है 2 ओम एंड एज वेल एज ऑफ 6 ओम, सो आई नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन यूर ए एंड बी। चलो बताओ जल्दी से, कोई बता सकता है क्या? मूव फ्रॉम ए टू बी बेटा, चलो जल्दी से बताओ, आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, मूविंग फ्रॉम योर ए टू बी, ए के पास पोटेंशियल वी ए है माइनस, ये पॉजिटिव टर्मिनल ए नेगेटिव टर्मिनल, सो जहां पर एंड हो रहा हूँ वो नेगेटिव ले रहा हूँ मैं, माइनस 15 माइनस, इसमें करंट कितना बह रहा है बेटा 5 एम्पियर, इसमें भी करंट कितना बहेगा 5 एम्पियर, सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो माइनस 5 इंटू इसका रेसिस्टेंस 2, देन फिर बैटरी आ गई पॉजिटिव नेगेटिव, आई एम एंडिंग इट नेगेटिव टर्मिनल, सो माइनस 10, उसके बाद फिर करंट कितना जा रहा है इसमें बेटा 5 एम्पियर, तो हो गया 5 इंटू योर 6, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव, देन अगेन ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आई एम एंडिंग इट नेगेटिव टर्मिनल, सो माइनस 5 इज इक्वल्स टू योर वी बी। आया तो ये कितना बना बेटा, वी ए माइनस ऑफ 15 माइनस 5 टू 10, ये हो गया माइनस 5 6 30 minus 5 is equal to VB. So VA minus VB कितना बना बेटा? VA minus 70. Of B is equals to बना 70 volt. आया सभी को? Yes, sir. चलो और एक दे रहा हूँ, आप लोग करके बताओ जल्दी से, पेन पेपर ले लो, सेकेंड वाला और एक एग्जाम्पल सेम वाला ऐसे ही। मान के चलो if VA माइनस ऑफ वी बी इज इक्वल टू 12 वोल्ट दे रखा है और मुझे चाहिए करंट, फाइंड करंट आई, ठीक है, ये देखो ऐसा है, ये हो गया एक रेसिस्टेंस यहाँ पर ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, देन फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव, एंड दिस इज योर टर्मिनल बी एंड दिस इज योर टर्मिनल ए, तो ये हो गया 3 ओम्स, ये हो गया मेरे पास 6 ओम्स, ये हो गया मेरे पास 5 वोल्ट, ये हो गया मेरे पास 10 वोल्ट, और इसमें करंट बह रहा है आई एम्पियर, ये आई निकालना है। क्वेश्चन देख लो एक बार जल्दी से फिर से, पोटेंशियल ऑफ योर वी ए माइनस वी बी दे रखा है प्रॉब्लम में 12 वोल्ट, इज आस्किंग टू कैलकुलेट द करंट, जल्दी बताओ। ए से बी चलना है अपने को, ए से बी चलना है, तो ए से जब चल रहा हूँ तो इसके पास हो गया पोटेंशियल, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो आई, उसका रेसिस्टेंस हो गया 3, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, आई एम एंडिंग इट अ पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये हो गया मेरे प्लस 5, माइनस ऑफ सेम करंट इसमें भी बह रहा है, कितना करंट बह रहा है आई, सो इट इज नथिंग बट ऑफ योर आई इंटू योर 6 प्लस, उसके बाद हो गया फिर 10 इज इक्वल्स टू वी बी, ठीक है, तो पूरे करंट्स ऑफ आई की एक जगह लिख लो, ए वाला ऑफ आई करंट और ए वाला ऑफ योर आई करंट पूरे एक जगह ले लो, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो जल्दी से, वी ए माइनस ऑफ योर वी बी, तो 10 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा बेटा 15, तो हो गया प्लस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 3 आई और माइनस 6 आई बाहर जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 6 7 8 9, तो ये बन गया मेरे पास 9 आई,
तो वी ए माइनस वी बी कितना दे रखा है प्रॉब्लम में, 12 दे रखा है, प्लस ऑफ यूर 15 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ योर आई, तो कितना बना बेटा 27 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ योर आई, तो आई इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, आई इज इक्वल टू 9 बाई 20, आई इज इक्वल 27 बाई 9, सॉरी I is equals to 27 divided by 9, तो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, सो करंट आ गया मेरे पास 3 एम्पियर, इज इट क्लियर? यस सर। आ गया सभी को? यस सर। चलो नेक्स्ट वाला देख लो बेटा, सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ्स इन पैरेलल, सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ्स इन विच कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी देख रहा हूं, देखो बेटा क्या हो रहा, मान के चलो अपने पास डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है बेटा विच हैव बीन कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो उसको हम लोग दो से ज्यादा है तो उसको निकाल के हम लोग एक कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं बेटा, मान के चलो मेरे पास ऐसा वाला है फर्स्ट वन, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, उसके साथ एक इंटरनल रेसिस्टेंस है, दिस इज वन टर्मिनल ऑफ योर बैटरी, उसके साथ यहाँ पर और एक पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस वन इज योर नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हो गया इसका आर वन और ये हो गया आर टू और इसका EMF हो गया E1 और इसका EMF हो गया E2 and we are connecting this one to an external resistance, मान के चलो capital R, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर जैसे भी दो cells parallel combination में आया जहां पर एक positive terminal और एक positive terminal and this is negative and this one is negative, ऐसा अगर connect हो गए, positive positive negative negative connect है basically across your terminal, मान के चलो ये है और ये हो गया B, इसको निकाल के मैं एक ही सेल बना सकता हूँ बेटा, ऐसा एक पॉजिटिव ऐसा एक नेगेटिव, एक रेसिस्टेंस बना लो और इसको जोड़ दो अपने वापस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, ये हो गया कैपिटल आर, ठीक है, तो ये बन जाएगा मुझे आर इफेक्टिव और ये बन जाएगा मेरे पास ई इफेक्टिव, ई इफेक्टिव कैसे लिखते हैं देखो जल्दी से बताओ किसी की याद है, आई होप एवरी वन हैव बीन रिमेंबर दिस वन, ई इज इक्वल टू योर, सो ये हो जाएगा ई वन बाई यूर आर वन प्लस ऑफ यूर ई टू बाई यूर आर टू डिवाइडेड बाई यूर 1 by R1 plus 1 by R2, अगर positive positive connected है तो positive terminal आएगा बेटा, और 1 by R effective कितना आएगा, 1 by R effective, तो ये effective हो गया, 1 by R effective दोनों parallel में रहेंगे, that is 1 by R1 plus 1 by R2, यानि R effective will be equal to your R1 R2 divided by your R1 plus of your R2, clear है, positive, yes, sir. है तो EMF net EMF can be, तो दो बैटरी को निकाल के एक ही बैटरी को लगा सकता हूँ, एक बैटरी का EMF कैसे निकालोगे, E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 particulation, उसके बाद देख लो बड़ा जल्दी से सेकंड वाला, अगर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो क्या करोगे, एक पॉजिटिव है इस तरह से और इसका EMF है E1 और इसका है इंटरनल रेजिस्टेंस R1, उसके साथ इसने एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर हो गया इसका एक रेसिस्टेंस R2 और इसका EMF हो गया E2 एंड दिस इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ योर कैपिटल R, अगर एक पॉजिटिव कनेक्टेड है तो एक नेगेटिव को और एक नेगेटिव कनेक्टेड है पॉजिटिव को, तो जब क्या करोगे, याद है किसी को, इसमें दो केसेस निकलेंगे बेटा, अगर मान के चलो नंबर वन इफ E1 is greater than E2,
इफ ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, तो जब बनेगा एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक इंटरनल रेसिस्टेंस है, उसके साथ ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बन गया कैपिटल आर, ये बन जाएगा ई इफेक्टिव और ये बन गया मेरे पास आर इफेक्टिव, स्मॉल आर इफेक्टिव जैसा आपको समझाया वैसा वैसे भी स्मॉल आर ही लिख देता हूँ, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाए। तो ये बन जाएगा मेरे पास आर इफेक्टिव, तो कैसे लिखोगे बेटा याद है किसी को? इफेक्टिव विल बिकम हाउ मच फॉर मी, और ई इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, ई इफेक्टिव इज इक्वल्स टू ई वन बाई आर वन, कुछ नहीं करना है, माइनस साइन डालना ऊपर के उसमें, ई टू बाई योर आर टू डिवाइडेड बाई योर, ये बन जाएगा वन बाई आर वन प्लस ऑफ योर वन बाई योर आर टू, और इफेक्टिव कितना बन जाएगा वन बाई आर इफेक्टिव विल बी इक्वल टू योर वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, ये चेंज नहीं होगा बिकॉज बोथ ऑफ देम विल बी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन बन सकता है सेकेंड वाला इसी के अंदर। देखो बेसिकली बेटा अगर मान के चलो इफ E2 इज ग्रेटर देन ऑफ योर E1, देन आई कैन कनेक्ट इट बाय योर वन सिंगल रेसिस्टेंस राइट नाउ, तो ये हो गया E1, तो यहाँ पर हम लोग एक सिंगल बैटरी से लगा सकते हैं, एक इफेक्टिव बन जाएगा एंड दिस वन इज योर इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैपिटल R, ये हो गया R इफेक्टिव और ये हो गया E इफेक्टिव, तो E2 is greater than E1 होगा, तो E effective का formula देखो क्या बन जाएगा बेटा, E effective will be equal to your, यहाँ पर बन जाएगा E2 by your R2 minus of your E1 by your R1 divided by 1 by R1 plus 1 by your R2, आया सभी को? और दोनों फिर से parallel में रहेंगे, 1 by R effective will be equal to your 1 by R1 plus 1 by your R2, ठीक है? अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव लगा हुआ है और E1 greater than E2 है, तो E1 divided by, इसको क्या करोगे आप राइट में यहाँ पर, ये हो जाएगा E1 by your R1 minus of your E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2, ठीक है ना? अगर E2 is greater than of your E1, E2 is greater than of your E1, सॉरी मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, अगर E2 greater than E1 है तो ये देखो ये बैटरी का कनेक्शन जो होना चाहिए, जो साइन कन्वेंशन ऑफ E2 का है ना उसको वैसे ही लगाना है। E2 का साइन कन्वेंशन कैसा है देखो राइट नो, यहाँ पर E2 में पहले नेगेटिव लगा हुआ है तो इसको पहले नेगेटिव लगा लेना है फिर उसके बाद पॉजिटिव लगा लेना है, सो डिड अ स्मॉल मिस्टेक देयर, तो यहाँ पर इसको रिकरेक्ट कर लो। तो जो भी अगर E2 ग्रेटर देन है तो E2 का जो साइन है बैटरी का उसी को ही मेंटेन करते चलना है, तो माइनस ऑफ योर प्लस, पहले माइनस उसके बाद प्लस, तो ई इफेक्टिव कितना बना मेरे पास E2 by R2 minus E1 by R1 divided by 1 by R1 plus 1 by R2, ठीक है? Yes sir. चलो अगर मान के चलो मेरे पास ऐसा कुछ है पॉजिटिव नेगेटिव, अब दो से ज्यादा, एक पॉजिटिव फिर उसके बाद एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, देन अगेन हियर रेसिस्टेंस राइट नाउ फॉर दिस वन, फिर राइट नाउ यहाँ पर और एक रेसिस्टेंस है, मान के चलो ये हो गया पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, यहाँ पर हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस, दिस इज कम्प्लीटली कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ योर कैपिटल आर, इसका रेसिस्टेंस है मान के चलो इसका ई एम एफ है ई वन, इसका ई एम एफ है ई टू, इसका ई एम एफ है ई थ्री, और रेसिस्टेंस है आर वन, ये हो गया आर टू और ये हो गया आर थ्री, ठीक है ना? अब इसको हम लोग एक सिंगल बैटरी से लगा सकते हैं बेटा, तो देखो ये पूरे सेल्स को निकाल के एक सिंगल बैटरी लगा सकता हूँ, सेल लगा सकता हूँ, ये स्मॉल आर हो जाएगा आर इफेक्टिव और ये बन जाएगा मेरे पास ई इफेक्टिव, दिस इज कनेक्टेड टू योर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इस तरह से। चलो अब ई इफेक्टिव बताओ कोई बता सकता है? यहाँ पर देखो बेटा एक पॉजिटिव कनेक्ट किया हुआ है विद नेगेटिव ऑल्सो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से है, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव से, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जब क्या करोगे ई इफेक्टिव इज इक्वल टू, जैसे लिख रहा हूँ देखो पहले पॉजिटिव ई वन बाई आर वन, फिर उसके बाद नेगेटिव ई टू बाई यूर आर टू, फिर से पॉजिटिव इट इज ई थ्री बाई यूर आर थ्री डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम हो जाएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ठीक है? और आर इफेक्टिव कितना बन जाएगा वन बाई आर इफेक्टिव इज इक्वल टू, सब पैरेलल में रहेंगे, सो इट इज वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस ऑफ योर वन बाई आर थ्री, आ गया? Yes, sir. चलो yes, sir. और एक वाला अब इसका बताओ मुझे जल्दी, एक पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से है, इसका एक रेसिस्टेंस इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है? देन अगेन दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, अगेन देयर इज एन इंटरनल रेसिस्टेंस राइट नाउ लाइक दिस, फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव फिर यहाँ पर एक नेगेटिव, एक इंटरनल रेसिस्टेंस लगा हुआ है इसको इस तरह से, देन दिस इज अगेन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ योर कैपिलर, तो ये मान के चलो R1 है, ये मान के चलो R2 है, मान के चलो R3 है, ये हो गया E1, ये हो गया E2 और ये हो गया E3, तो इसको मैं पूरा एक सेल से लिख सकता हूँ ना बेटा?
तो ये हो जाएगा एक पॉजिटिव, यहाँ पर एक नेगेटिव, एक हो गया एक इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से, और ये हो गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर कैपिटल आर, ये हो जाएगा आर इफेक्टिव और ये हो जाएगा मेरे पास ई इफेक्टिव। जल्दी से ई इफेक्टिव का वैल्यू बताओ, ई इफेक्टिव कैसे लिखोगे जल्दी बताओ। पूरे पॉजिटिव कनेक्ट ही है, देखो बेटा ये पॉजिटिव है फिर ये पॉजिटिव है, हाँ तो E1 by R1 plus of your E2 by R2 plus of your E3 by your R3 पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। आया सभी को? ठीक है ना बेटा? यस चल। और टाइम भी नहीं है। ये क्या हो गया? एक बार देख लो जल्दी से जहां से करें हम लोग आज, यहां से अगर किसी को स्क्रीनशॉट्स ले लेना है तो ले लो जल्दी से। ठीक है, कितना टाइम है बेटा अभी? दो मिनट सर। ठीक है चलो बेटा, ठीक है बाय।